जी हाँ, अमृतसर दे विच ऑक्सीजन की घाट करके हुई छे मौतों तो बाद हुण सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जाग गए ने। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर मामले की जांच के हुक्म दिते ने ते डिप्टी कमिश्नर ने जांच करन दे लई दो सीनियर अफसर वाली जांच कमेटी का गठन कर दिता है। नाल ही यह भी ऐलान किया गया मुख्यमंत्री दे वलों दी कि सूबे भर च ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। ये फैसला लिया गया सूबे भर के लोहे और स्टील प्लांट च पैदावार बंद करन दा जो है वह फैसला लिया गया। लोहे और स्टील प्लांट च वड्डे पद्धर ते तुहानू दस दिए ऑक्सीजन की वरतों होंदी है ते उसे नू रोकण दे लई ये कदम जो ने चुके गए ने। लोहे और स्टील प्लांट की पैदावार बंद करके जो है ऑक्सीजन बचाई जाएगी, उसकी मैडिकल वरतों की जाएगी। थानू दस दिए कि अज अमृतसर दे विच जो दर्दनाक हादसा वापरिया, जिस तरह के नाल हस्पताल दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके करके छे मरीजों की मौत हो गई है। उस तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वलों दी ये हुक्म दिता गया, जांच का हुक्म दिता गया। डिप्टी कमिश्नर वालों इस पूरे मामले जांच कमेटी जो है दो मैंबरी जांच कमेटी गठित की गई है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इसके पिछे हस्पताल प्रशासन की लापरवाही जिम्मेवार है, क्योंकि जिला प्रशासन को हस्पताल के वालों की सूचित नहीं किया गया कि सूबे भर च ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला लिया गया, जो इंडस्ट्री के लिए यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है ऑक्सीजन, उसको बचाया जाएगा तो मेडिकल इस्तेमाल उसका किया जाएगा। अमृतसर च सामने आई प्रशासन की वड्डी अणगहली, प्राइवेट अस्पतालों नूं नहीं हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की घाट ने लई छे मरीजों की जान, एक दूजे सिर भन्निया जा रहा है ठीकरा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड से मौजूद इस नीलकंठ अस्पताल दे विच ऑक्सीजन खत्म होने करके छे मरीजों की जान चली गई, जिन्हों चो पांच मरीज कोविड पॉजिटिव सन। हालात ऐ ने कि मरीजों के परिवार अपने वालों ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के लिया रहे हैं, पर हैरानी की गल है कि छे मौतां होने के बावजूद कोई भी अपनी जिम्मेवारी समझने को तैयार नहीं है। मैं अपने सिलेंडर 3 अवेलेबल किए, रात 2:30 बजे 3 बजे तक भज भज के जे मेरे को हैगा ही तो मैं भजा रहा वा, कभी इधरों उधरों कर रहा वा, कोई अरेंज कर रहा वा अपने, मैनू पता ही कि प्रॉब्लम आँदी आ। प्रैगनेंट है भाभी, इन्ना ऑक्सीजन नहीं इन्ना को हैगी, अं अपनी लिया के कवर कर रहे अं एजेंसी च भरवा के लिया, 3 सिलेंडर लिया। ऑक्सीजन कोई घाट नहीं है, जिदन आप इन्होंने लैके आए साढ़े तो बड़ा स्ट्रोक पिया या सारा कुछ है। कल सू बकायदा सर इन्होंने आप कहा कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ओके है, तो इन्होंने सोमवार मंगलवार छुट्टी कर देंगे, पर अज इन्होंने होर ही कुछ दसता सूँ। हालात ठीक है, बंदा नहीं जाके देखा, बंदा बिल्कुल डेड होया, डॉक्टर का हमने होया। अस्पताल प्रबंधक कह रहे हैं कि उन्होंने लिखित जिला प्रशासन को ऑक्सीजन खत्म होने बारे सूचित किया, पर प्रशासन ने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करवाई। इस तो अलावा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है, तो ऑक्सीजन सिर्फ सरकारी अस्पतालों ही सप्लाई की जा रही है। लास्ट 48 आवर्स आप नोडल ऑफिसर इनफॉर्म किया, जेडे ऑक्सीजन साढ़े सप्लायर 2-3 अमृतसर के है, अजे भी जाके एग्जामिन कर लो, उत्थे पुलिस की टीम बैठी हुई है, एक भी सिलेंडर नहीं दे रहे हो। प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं देते, वो कहते प्राइवेट हॉस्पिटल आप प्रायोरिटी कोई नहीं देनी, सब तो पहले गुरु नानक देव हॉस्पिटल पूरा किया जाएगा। गुरु नानक देव सवेरे बंदा भेजा 4 बजे उत्थे ऑक्सीजन लैन वास्ते, वो 5 सिलेंडर लैके आया हूँ। सर हूँ सिलेंडर आए ने सर, 5 सर मिनिमम रिक्वायरमेंट साड़ी 50 सिलेंडर की हैगी है, असं बार बार रिक्वेस्ट करते पे जे हॉस्पिटलों को कोविड पेशेंट की फैसिलिटी नहीं हैगी, वो 25-25 सिलेंडर रख के बैठे हुए हैं। उधर कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी दावा कर रहे हैं कि प्रशासन को अस्पताल वालों ऑक्सीजन खत्म होने बारे कोई जानकारी पहुंची ही नहीं, जे अजिहा हुंदा तां प्रशासन जरूर कोई कदम चुकदा। किसी को इनफॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं, ये मैं समझना हॉस्पिटल की अणगहली करके ये जड़िया डेथ हो जाने, सो बड़ा माड़ा काम होया,
उन्होंने प्रशासन के ध्यान में लिया चाहिए सी, क्योंकि सरकार ने सीएम साहब ने सारे डिप्टी कमिश्नर नू कि चाहे सरकारी हॉस्पिटल आ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल ने, सो जिहड़ियां उन्हां दियां कोई जरूरत ने उन्हां नाल तुसीं ध्यान रखना, खास करके ऑक्सीजन जिहड़ी आ। अमृतसर दे डिप्टी कमिश्नर भी इस मौके जिम्मेवारी लैण दी थां नसीहत वंडदे नजर आए कि निजी अस्पताल कोविड दे मरीजां नू दाखल ना कर सरकारी अस्पतालां च रैफर करन, क्योंकि सरकारी अस्पतालां च ऑक्सीजन दी कोई घाट नहीं है। देखो जी, ऑक्सीजन दी कमी बिल्कुल गल है कि पिछों सप्लाई ऑक्सीजन दी जिहड़ी है घट हुई हैगी है, और हॉस्पिटल्स नू असीं यही बेनती कर रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल कोल अशोर्ड सप्लाई है नहीं गी वो पेशेंट्स नू ना लवे, और वो पेशेंट्स नू तुसी जे कोई सीरियस पेशेंट हैगा तो गुरु नानक देव मेडिकल कॉलेज साढ़े कोल शिफ्ट कर दिओ, या जिहड़े कोई हॉस्पिटल जिन्हां दे कोल अशोर्ड सप्लाई हैगी है उन्हां नू कर दिओ। लापरवाही करके 6 लोगों की मौत हो गई, 6 परिवार उजड़ गए, पर सूबे के सेहत मंत्री जांच पूरी होने की उड़ीक कर रहे हैं। सेहत मंत्री साहब एक पासे तो पंजाब च ऑक्सीजन की घाट को कबूल रहे हैं, तो दूजे पासे प्राइवेट अस्पतालों ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने के इल्जाम नु भी गलत दस रहे हैं। सिविल प्रशासन साडा हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह उसकी पूरी जाँच कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भी उसके रिजल्ट सामने आएंगे वो आपको सबको बताए जाएंगे। बेकायदा जो कोई किसी भी पार्ट पे किसी भी साइड से वो फॉल्ट पाया जाता है उसके खिलाफ कायदा कार्रवाई की जाए। निजी अस्पतालों को उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही है। जेकर किसी अफसर को उन्होंने बोला है तो किसको बोला है, कि कोई मेल की है या उन्होंने पहले एडवांस उनको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें दिखने वाली बात है। इसके बगैर किसी जाँच के पहले उस कहना गलत होगा। यह हालात साफ कर रहे हैं कि पंजाब ऑक्सीजन की कमी हुण जानलेवा साबित हो रही है, पर कुर्सियां ते बैठे लोग सिवाए नसीहतां वंडन अते इल्जामबाजियां दे कुछ होर करदे नज़र नहीं आ रहे, जिस करके आम लोगों की जिंदगी खत्म होंदी जा रही है। पीटीसी न्यूज़ लई अमृतसर मनिंदर मोंगा दी रिपोर्ट।